अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अलीम फ्रॉम स्किल्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से पेजेस, कैटेगरीज और ऑथर क्रिएट कर सकते हैं, या जो एग्जिस्टिंग है उन्हें एडिट किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं एडमिन पैनल में। आप यहाँ से पेजेस ओपन कर सकते हैं। तो ये सारा कंटेंट है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे स्कीमा दिया गया है, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपने न्यू पेज क्रिएट करना हो तो न्यू पेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये सारा कंटेंट लिखेंगे, उसके बाद पब्लिश कर देंगे। उसके बाद अगर आपने कैटेगरीज क्रिएट करनी हो तो यहाँ न्यू कैटेगरी, और यहाँ पे कैटेगरी का नाम लिखेंगे, उसके बाद ये उसका यूआरएल, और ये उसका एसईओ टाइटल, और ये उसकी एसईओ डिस्क्रिप्शन, उसके बाद पब्लिश कर देंगे। उसके बाद अगर किसी ऑलरेडी क्रिएटेड को आप एडिट करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो फिर आप इन्हें ओपन करेंगे और अगर रिमूव करना है तो डिलीट एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर चेंजेस करनी है तो वो आप यहां से कर सकते हैं। उसके बाद यहां से आप पब्लिश कर सकते हैं इसे। उसके बाद ऑथर्स, तो ऑथर ऐड करने के लिए आप यहां पे न्यू ऑथर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाटा एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ ऑथर की इमेज, उसके बाद यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन, ये वो डिस्क्रिप्शन है जो आर्टिकल्स के नीचे शो होगी। उसके बाद ये एसईओ जो गूगल में शो होगी, और उसके बाद ये भी गूगल में शो होगी। उसके बाद पब्लिश, अब आप अगर इन्हें यूज करना चाहते हैं तो जाएंगे ब्लॉग में और उसके बाद किसी पुरानी पोस्ट कट कर लें, तो इस पोस्ट को ओपन करें, यहाँ से ऑथर ये जो हमने क्रिएट किया था, उसके बाद कैटेगरी जो हमने क्रिएट की थी। तो हो सकता है कि आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़े क्योंकि इसे डिप्लॉय होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसी के साथ इस ट्यूटोरियल का इख्तिताम, उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।